नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 अक्टूबर 2018। स्वागत है आपका हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल यहाँ पे राजनीति से संबंधित है, नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल सैनिटेशन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद बीच में ये बड़ा आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल सबरीमाला टेंपल केस से संबंधित है, पॉइंट्स रिपीट्स हो रहे हैं, राजनीति भी है, नहीं डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पे ये आर्टिकल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखो हमने मी टू मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल से, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। कोट है आज का मदर टेरेसा का, इन्होंने कहा था, हम में से देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो महान चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन हम सब लोग छोटी छोटी चीज़ों को महान तरीके से कर सकते हैं, ग्रेट लव के साथ कर सकते हैं, और इससे समाज में बदलाव जरूर आएगा। तो इस कोट का आप इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में, समझ गए। फिर से बोलता हूँ, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो महान काम नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे काम को महान तरीके से कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल सैनिटेशन से संबंधित है। आप GS पेपर 1 और GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सैनिटेशन यानी साफ सफाई के मामले में इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। वैसे ही सरकार ने काफ़ी जोर शोर से स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की जो अप्रोच है काफ़ी लिमिटेड है। टॉयलेट्स बनाने तक सीमित है स्वच्छ भारत अभियान की अप्रोच। हाल ही में यूपी से संबंधित एक रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में कहा गया उत्तर प्रदेश में टॉयलेट्स से निकलने वाला 87% ऑफ फीकल स्लज। फीकल स्लज क्या होता है? देखो फीकल मतलब ह्यूमन वेस्ट, मल इत्यादि। 87% ऑफ फीकल स्लज जो यूपी में टॉयलेट्स से निकलता है उसका ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, उसे खुले तौर पर छोड़ दिया जाता है, या तो इन्वायरमेंट में या फिर किसी नाले में, नदी में वो मल इत्यादि बहा दिया जाता है। सोच के देखिए कितनी गंभीर तरह की बीमारियों का खतरा है। इसका एक रीज़न देखो ये भी है, हमारे देश में प्लान डेवलपमेंट नहीं है, यानी सिस्टमेटिक ढंग से हाउसिंग सेक्टर का निर्माण नहीं हुआ है। जहाँ जगह मिली वहाँ कॉलोनी काट दी, जहाँ जगह मिली वहाँ घर बसा दिए। इस प्रकार से अगर घरों का निर्माण होता है, हाउसिंग सेक्टर डेवलप होता है, तो सीवरेज व्यवस्था को बिछाना मुश्किल होता है। इवन नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी जो 2008 में आई थी, इसे अभी तक चेंज नहीं किया गया है। एक और डेटा आर्टिकल में दिया हुआ है, 2015 की यूएन की एक रिपोर्ट बताती है हमारे देश में एनुअली 65,000 टन अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट को इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब देखो ये सब चीज़ें होंगी तो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 6 जो है वो अचीव हो पाएगा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोल नंबर 6 देखिए, इसको अचीव करना है 2030 से पहले पहले। लेकिन जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है इस गोल को अचीव नहीं किया जा सकता 2030 से पहले, अगर सरकार बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्टेप्स नहीं लेती हैं सैनिटेशन को प्रमोट करने के लिए। आगे आर्टिकल में कहा जाता है, इस रिपोर्ट की गंभीरता इस बात से भी बढ़ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गंगा नदी को साफ करने के लिए। इस प्रोग्राम में सरकार 20,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, और इस प्रोग्राम का एक मेन पॉइंट ये भी है, गंगा नदी के आसपास जो सिटीज़ हैं वहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इस्टाब्लिश किए जाएंगे। अगर गंगा नदी का ये प्रोग्राम, गंगा नदी को साफ करने के लिए प्रोग्राम ठीक से चल रहा है और गंगा नदी के आसपास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इस्टाब्लिश किए जा रहे हैं, तो फिर ये डाटा क्यों सामने आ रहा है कि यूपी में 87% जो ह्यूमन वेस्ट निकलता है टॉयलेट से उसका ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं है। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार की ये जो अप्रोच है वो फेल हो गई है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की आवश्यकता है ताकि टॉयलेट्स से निकलने वाला जो भी फिकल स्लज है, जो भी ह्यूमन वेस्ट है, उसे ट्रीट किया जा सके। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच फेल हो गई है, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की आवश्यकता है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच मतलब छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के लिए छोटे छोटे ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए। अगर देखो डिसेंट्रलाइज्ड स्लज मैनेजमेंट होता है, डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन वेस्ट का मैनेजमेंट होता है, तो इसके सीधे सीधे दो बड़े बेनिफिट्स होंगे। एक तो अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट को इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, दूसरा अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट को इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करने से काफ़ी तरह के डिजीज होने का खतरा पैदा हो जाता है, तो डिजीज़ बर्डन भी कम हो जाएगा। लेकिन
इमीडिएट काम एक सरकार को जो करना होगा वो ये है, इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स का गठन किया जाए ताकि लैंड को आइडेंटिफाई किया जा सके कहाँ पे छोटे छोटे ह्यूमन वेस्ट को ट्रीट करने के लिए प्लांट्स इस्टाब्लिश किए जा सकते हैं। इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स ये भी इंश्योर करें वो हाउसेज जो अभी टॉयलेट्स से ह्यूमन वेस्ट को सीधा बहा देते हैं ड्रेन्स में, उनको कोई एक्सेसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो सीधा टॉयलेट से ह्यूमन वेस्ट को नालों में ना बहाएं। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है ह्यूमन वेस्ट को रिमूव करने के लिए मैकेनाइज्ड सॉल्यूशन चाहिए। जैसे देखो टैंकर ट्रक्स की सहायता से ह्यूमन वेस्ट को रिमूव किया जाता है, लेकिन काफ़ी स्टिग्मा अटैच है इस काम के साथ। मैनुअल स्क्वेंजिंग बैन हो चुकी है, लेकिन अभी भी स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को मजबूर किया जाता है मैनुअल स्क्वेंजिंग के लिए, और इवन टैंकर ट्रक जो कि एक मैकेनाइज्ड सॉल्यूशन है इस काम के लिए भी स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को ही मजबूर किया जाता है क्योंकि स्टिग्मा अटैच है। तो आर्टिकल में कहा जाता है डी स्टिग्माटाइज्ड होना चाहिए ये काम और प्रोफेशनलाइज्ड सॉल्यूशंस भी चाहिए। अगर देश में सैनिटेशन के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट लाना है, हालात बदलने हैं, तो यूपी जैसे स्टेट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सैनिटेशन के क्षेत्र में गैप काफ़ी ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी के लिए चाहिए कमिटमेंट, कमिटमेंट इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर सैनिटेशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जाती है ना जाने कितने लाख लोगों की जो लाइव्स हैं वो बदल सकती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सैनिटेशन से संबंधित। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। डिसेंट्रलाइज्ड स्लज मैनेजमेंट सिस्टम आर वाइटल टू अचीव क्लीन वाटर गोल्स ऑफ SDG। अगर देखो SDG में गिवन क्लीन वाटर गोल्स को अचीव करना है तो इसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड स्लज मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस स्टेटमेंट को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आप GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब 2015 के दिसंबर में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उस समय में भी कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये आशंका व्यक्त की जा रही थी जो कमिटमेंट्स की गई हैं विभिन्न कंट्रीज के द्वारा वो कमिटमेंट्स नाकाफी हैं ये इंश्योर करने में इस शताब्दी के अंत में अर्थ का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर होगा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। जो कमिटमेंट्स की गई हैं विभिन्न कंट्रीज के द्वारा यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है क्या ये NDC। देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से पहले ना विभिन्न कंट्रीज ने अपनी अपनी तरफ से कमिटमेंट की थी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया ने कमिटमेंट की थी 2005 में हमारा जो एमिशंस था उसका हम 30-35% कम करेंगे 2030 तक। इसी प्रकार से हर एक कंट्री ने अपने अपने हिसाब से कमिटमेंट करी थी कि हम एमिशंस इतना कम करेंगे और उस वॉल्यूंट्री कमिटमेंट को ही कहा जाता है NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हाँ तो हम बात कर रहे थे विभिन्न कंट्रीज के जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से इस शताब्दी के अंत तक अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर 3-5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, ऐसी वार्निंग दी गई कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। इंडिया पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एक्सपर्ट्स इंडिया को बोल रहे हैं। एक स्टडी भी सामने आई नेशनल क्लाइमेट चेंज में, इस स्टडी में कहा गया इंडिया सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा इन्वायरमेंट को आने वाले समय में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा एमिशंस देखने को मिलेगा इंडिया से। और अब तो IPCC की रिपोर्ट भी सामने आ गई, अगर अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो क्या होगा, क्या किया जा सकता है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए। तो इंडिया पे प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्या इंडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखो इंडिया की जो कमिटमेंट्स हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में वो कमिटमेंट्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, यानी हमने अपनी औकात से बढ़ के ज़्यादा कमिट किया है कि हम इतना एमिशंस को कम करेंगे, आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन फिर भी हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। दूसरी तरफ USA इस ट्रीटी से बाहर आ गया है, ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील में इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस के नतीजे डिसाइड करेंगे कि ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भी इस ट्रीटी से बाहर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जो ट्रीटी से बाहर तो नहीं आए हैं लेकिन अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई, UK ने जो कमिट किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में उस हिसाब से UK एमिशंस को कम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया जिसने काफ़ी एम्बिशियस टारगेट रखा था डिसाइसिव चेंज लेके आ रहा है वेरियस सेक्टर्स में, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी सेक्टर में,
हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, जगह जगह पे सोलर प्लांट्स और विंड प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी कमिटमेंट जाहिर की है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। जो भी हमसे होगा वो हम करेंगे। अभी इंडिया के सामने देखो दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो ये है, हमारे देश की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी रेखा के नीचे आता है, दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता पॉपुलेशन का वो सेक्शन। दूसरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या फिर आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स चैलेंज हमारे सामने ये है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इससे लोगों की लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ पहले बारिश कम आती थी बहुत ज़्यादा आ रही है, इरेगुलर आ रही है, जिस सीजन में नहीं आती थी उस सीजन में आ रही है, जहाँ सूखा आता था वहाँ और ज़्यादा सूखा आ रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से, इन इवेंट्स की वजह से, क्लाइमेट चेंज के कारण जो ये सब कुछ हो रहा है उससे लोगों की जो लाइफ है वो नेगेटिवली प्रभावित हो रही है। काफ़ी बार क्लाइमेट चेंज डिस्कशंस में इंडिया और चाइना को एक ही तराजू में तोला जाता है, लेकिन देखो क्लाइमेट चेंज डिस्कशन में इंडिया और चाइना को एक तराजू में तोलना ठीक नहीं है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है चाइना के अपेक्षाकृत। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लीजिए, इंडिया का स्थान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है 130वां और चाइना का स्थान है 86वां। इसलिए चाइना जो कुछ कर सकता है उस लेवल पे फिलहाल इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से लोगों को इंडिया को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ डेटा भी दिया हुआ है, इंडिया में ऑलमोस्ट 1/3 यानी 27.5% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, और 1/5 मतलब 19.1% लोग ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैं यानी गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर हैं, गरीब बन सकते हैं। 50% इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है जो जॉब जाने के खतरे से जूझती रहती है। घर में अगर कोई बीमार हो गया तो परिवार आ जाएगा गरीबी रेखा से नीचे। इवन अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, फॉर एग्जांपल फ्लड, सूखा, साइक्लोन, तो भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। तो फिर कैसे क्लाइमेट चेंज डिस्कशंस में इंडिया को चाइना से कंपेयर किया जा सकता है? आगे आर्टिकल में कहा जाता है, इंडिया के सामने आज जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का चैलेंज हो, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने का चैलेंज हो, या फिर क्लाइमेट चेंज से अडोप्ट करने का चैलेंज हो, अगर इन सभी चैलेंजेस को सिनर्जाइज कर दिया जाए यानी कन्वर्ज कर दिया जाए तो बेहतर सॉल्यूशन निकाला जा सकता है इन चैलेंजेस से निपटने के लिए। लेकिन इसके लिए हमें वाइड स्केल पर चेंजेस लाने होंगे, और वो चेंजेस कंटेस्ट स्पेसिफिक होने चाहिए। कहने का एसेंस ये है, वन साइज डजंट फिट ऑल वाली अप्रोच नहीं चलेगी अगर इन चैलेंजेस को एड्रेस करना है तो, क्योंकि देखो इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कंटेस्ट स्पेसिफिक और लोकल सिचुएशन के हिसाब से हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। इन सभी चैलेंजेस को अगर कन्वर्ज करना है तो कहीं कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होगा, कॉस्ट बेनिफिट भी देखना होगा। लेकिन देखो एक बात साफ है, फॉरेस्ट, रिवराइन बॉडीज, इन सब चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉरेस्ट के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, फॉरेस्ट को काटने कटाई की जाती है और सरकार ध्यान नहीं देती है, और अगर रिवराइन बॉडीज जो हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसका फ़र्क सीधा सीधा देखने को मिलता है। केरला का जो उदाहरण है वो ज्वलंत उदाहरण है, कैसे वहाँ पर फॉरेस्ट्री कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया गया और इतनी इंटेंस बाढ़ आ गई, 125 सालों में सबसे गंभीर लेवल की वो बाढ़ थी। लेकिन अच्छी बात ये है, हमारे देश में बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कैसे इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो लैंड एक्सेस का मामला हो, एनर्जी प्रोडक्शन का मामला हो, वाटर को कंजर्व करने का मामला हो, क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलप करने का मामला हो। अच्छे इनोवेटिव सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स को अब हम डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल ये है, वैसे तो देखो टारगेट ये है 2022 तक इंडिया को 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, और इसके लिए सेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट्स इस्टाब्लिश किए जा रहे हैं। मतलब सरकार पैसा खर्च करती है और बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स इस्टाब्लिश किए जा रहे हैं। लेकिन झारखंड में अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, 249 रिमोट विलेजेस में सोलर माइक्रोग्रिड्स इस्टाब्लिश किए जा रहे हैं। ये सोलर माइक्रोग्रिड्स जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत पैदा करेंगे। तो इस प्रकार से देश के दूसरे इलाकों में भी सोलर माइक्रोग्रिड्स अगर इस्टाब्लिश किए जाते हैं तो सरकार की सपोर्ट के बिना भी कम्युनिटी अपने लेवल पे
क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए प्रभावी कदम उठा सकती है। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया जाता है, आजकल देखो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखना काफी आसान हो गया है। इस चीज का फायदा उठाया जा सकता है एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, वो गांव लेवल पर, कस्बे लेवल पर अपनी छोटी छोटी एंटरप्राइजेस या फिर कोऑपरेटिव्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन होगा तो देखो इलेक्ट्रिसिटी को के ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा लॉसेज जो हो जाते हैं उन लॉसेज को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा देखो नई नई इनोवेशंस सामने आ रही हैं, कैसे हाइब्रिड वेस्ट से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। कम्युनिटी लेवल पे इस प्रकार की इनोवेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा महाराष्ट्र में वो कम्युनिटी मॉडल जिसकी सहायता से फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की जा सकती है, या फिर आंध्र प्रदेश का मॉडल जिसमें जीरो बजट फार्मिंग होती है, इन सबको बड़े स्केल पर प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, सरकार को बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं हमारे देश में जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अगर सरकार वहाँ पर ध्यान देती है ना सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकता है, एमिशंस को कम किया जा सकता है, बल्कि बहुत से लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर भी लाया जा सकता है। इंडिया ये सोच के नहीं बैठ सकता कि बाकी देश एमिशंस को कम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंडिया को भी हाथ पे हाथ धरे बैठा रहना चाहिए। इंडिया को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए बाकी देशों में भी, जैसे जैसे देखो क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभाव होने स्टार्ट होंगे बाकी देशों की जनता भी अपनी अपनी सरकार पे प्रेशर डालेगी और उन सरकारों को भी मजबूरी में आके कदम उठाने होंगे। लेकिन इंडिया को पहले से तैयार होना चाहिए इस दिशा में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मी टू मूवमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। टॉपिक का नाम है क्या मी टू मूवमेंट से मैन के बिहेवियर में बदलाव आएगा, क्या सिचुएशन चेंज होगी इंडिया में जो फिलहाल मी टू मूवमेंट चल रही है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओम राउतरे के आर्ग्यूमेंट्स। उनका कहना है मी टू मूवमेंट से डेफिनेटली मैन के बिहेवियर में बदलाव आएगा और सिचुएशन इंप्रूव होगी। उनका ये कहना है किसी भी देखो किसी भी तरह के अत्याचार में, ऑपरेशन में सबसे पहली चीज़ ये होती है ऑपरेसर को ये बताया जाए, अत्याचार करने वाले को ये बताया जाए कि आपकी पावर एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप अत्याचार करते जाओगे और आपके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। ऐसा अभी हो रहा है, महिलाएं खुल के सामने आने लगी हैं, वो ऑपरेसर को कहने लगी हैं आपने जो किया था गलत किया था। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वुमन ने सेक्सुअल हरासमेंट को वर्क का एक हिस्सा मान लिया था, मतलब कोई शिकायत नहीं करता था, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं बेधड़क चलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जब से ये मीटू मूवमेंट चली है विभिन्न इंडस्ट्रीज में, विभिन्न सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसनेस देखने को मिल रही है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है बॉलीवुड का, बॉलीवुड पहले बिल्कुल सीरियस नहीं था सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को लेके, लेकिन बॉलीवुड में सेक्सुअल हरासमेंट संबंधित पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, कॉरपोरेट ग्रुप्स भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया है सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में। लास्ट में राइटर कहते हैं देखो ऐसा नहीं है कि रातों रात मैन के बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या है मीटू मूवमेंट से एक सिस्टरहुड देखने को मिला है, इकोनॉमी प्रभावित होती है, इसलिए मैन को मजबूरीवश अपने एक्शंस में चेंज लाना ही होगा। मॉडर्न जो इकोनॉमी है, मॉडर्न इकोनॉमी में वुमन एज ए वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर किसी कंपनी का ब्रांड नेम खराब होता है कि इस कंपनी में वर्क कल्चर महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, तो महिलाएं उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगी और उस इकोनॉमी की इकोनॉमिक सिचुएशन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इवन देखो अगर किसी कंपनी का नाम खराब हो जाता है कि यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ना सिर्फ उस कंपनी के अंदर के वर्क कल्चर की, बल्कि कंज्यूमर्स भी उस कंपनी से किनारा कर लेते हैं अगर कंज्यूमर्स को लगता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को हमें नहीं खरीदना चाहिए, इस ये जो कंपनी है वो सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में सीरियस नहीं है। कहने का एसेंस ये है रातों रात मैन के बिहेवियर में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन इकोनॉमी इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि इकोनॉमी मजबूर कर देगी मैन को कि वो अपने बिहेवियर में चेंज लाए। एक बात और जो लास्ट में बोली जाती है वो ये है महिलाओं के पास सोशल मीडिया के रूप में अब एक ताकत आ गई है मैन को एक्सपोज करने की, उन्हें सामाजिक रूप से शेम करने की, उनकी जॉब्स लेने की। क्योंकि देखो अगर किसी पर्सन पे आरोप लगता है, मैन पे आरोप लगता है, तो कोई कंपनी ऐसे मैन को जॉब नहीं देना चाहेगी, और जॉब जाने का डर तो हर किसी को लगता है। यही डर मजबूर करेगा
मैन को वो किसी प्रकार की गलत हरकत ना करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभिनव कुमार के आर्ग्यूमेंट्स को। ये कहते हैं मी टू मूवमेंट के बावजूद सिचुएशन में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, यानी मैन के बिहेवियर में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। इनका मानना है 6 साल पहले 2012 में निर्भया गैंगरेप केस के बाद काफ़ी पब्लिक आउटक्राई हुई थी, यानी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और रेप के अगेंस्ट कानून भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया था। क्या आज रेप होने रुक गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इनका यह मानना है जब तक देखो अथॉरिटीज़ को, इवन पुलिस को, कानून के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज नहीं दिए जाते हैं तब तक घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। यानी जिन घटनाओं के लिए वो कानून बनाया गया है उस कानून को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं अभिनव कुमार, 2003 का जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट, इस एक्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए रिक्विजिट अथॉरिटीज को रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, इसलिए इस कानून का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। अभिनव कुमार ये भी कहते हैं जो भी देखो सोशल मीडिया पर जो कंप्लेंट्स सामने आ रही हैं इनको लीगली अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ये कहते हैं बहुत बार फर्जी कंप्लेंट्स भी सामने आती हैं, क्योंकि ये सर्विंग आईपीएस ऑफिसर हैं। अभिनव कुमार कहते हैं मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं सबक सिखाने के लिए दहेज से संबंधित मामलों में पूरी फैमिली के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया जाता है, लेकिन कोर्ट्स आजकल काफ़ी सीरियस हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था दहेज से संबंधित मामलों में। आजकल अरेस्ट बहुत मुश्किल ग्राउंड्स पे होता है और बेल मिलने के ग्राउंड्स काफ़ी ज़्यादा लिबरल हो गए हैं। तो इनका यही मानना है अगर जो भी कंप्लेंट आती है वो सॉलिड ग्राउंड के बेसिस पे आनी चाहिए, वो प्रूफ के बेसिस पे आनी चाहिए, तभी उसे लीगली अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। अदरवाइज वो महिलाएं जो मीटू मूवमेंट के अंदर आरोप लगा रही हैं उन पर डिफेमेशन का केस जो फाइल हो रहा है, ऐसे और भी केसेस फाइल हो सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए अभिनव कुमार के, जो सर्विंग आईपीएस ऑफिसर हैं। लास्ट में प्रज्ञा तिवारी के द्वारा एक बैलेंस आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। इनका कहना है मीटू मूवमेंट के बाद डर तो देखने को मिल रहा है मैन में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत से मैन ऐसे हैं जो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, बहुत से मैन ऐसे भी हैं जो अपना पास्ट खंगाल रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान देने की आवश्यकता है बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें अभी भी डर है, जो अभी भी खुल के सामने नहीं आ रही हैं। सिर्फ 8-10 महिलाओं के आगे आने से इसे सफल मूवमेंट नहीं कहा जा सकता। अच्छा तो ये होता बहुत सारी महिलाएं हर एक सेक्शन से निकल के आगे आती और अपनी आपबीती बताती हमारे साथ ऐसा गलत हुआ है, ताकि आने वाली जनरेशन्स में किसी भी वूमेन को इस सिचुएशन का सामना ना करना पड़ता। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मीटू मूवमेंट से संबंधित। इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज पे फोकस किया, सबसे पहले सैनिटेशन से संबंधित, दूसरे नंबर पे क्लाइमेट चेंज से संबंधित और सबसे लास्ट में मीटू मूवमेंट से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।